Welcome back to Women's Creek Zone special show, Weekly Briefings with Sunandan Lele. इंडियन क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन इज कीन टू अपॉइंट अंजू जैन एज देयर कोच. अंजू जैन ने बहुत अच्छी तरीके से बड़ौदा क्रिकेट को गाइड किया है, लेकिन अभी थोड़े से हिकअप्स हो रहे हैं. देर इज सम मिसकम्युनिकेशन. ऑन वन साइड बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन इज सेइंग वी आर हैप्पी टू इनवाइट अंजू जैन एज अ कोच. ऑन द अदर साइड अंजू जैन इज सेइंग दे हैवंट कम्युनिकेटेड टू मी इन अ प्रॉपर वे. मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन अगर बाजू हो जाए तो फिर से बड़ौदा वुमेन्स को एक अच्छा प्रशिक्षक मिल सकता है अंजू जैन के रूप में. Dutch cricket is on right path. They are about to appoint Shane Diaz as their main coach. Shane Diaz has got so vast experience of cricket. Being an Australian, he has completed level 3 of coaching. अगर वो join हो गए Dutch team को तो मेरे ख्याल से एक अच्छी दिशा में Dutch team जा सकती है, which is so important to take them forward. On the other side of the continent, बांग्लादेश क्रिकेट इज वेरी वेरी कीन टू अपॉइंट मार्क रॉबिन्सन एज देयर कोच. अभी तक घोषणा नहीं हुई है बट डिस्कशंस आर ऑन. एज वी ऑल नो, मार्क रॉबिन्सन इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस क्रिकेटर एंड अ कोच टू. बांग्लादेश क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए मार्क रॉबिन्सन जैसे कोच की सख्त जरूरत है. आई थिंक एंड आई एम श्योर बांग्लादेश क्रिकेट विल सील दिस डील वेरी सून. लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि बैंगलोर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसके कारण इंडियन गर्ल्स को फिर से क्रिकेट खेलने को मिलेगा. दिस इज अ शांता रंगा स्वामी ब्रेन चाइल्ड. शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू ऑर्गेनाइज अ T20 टूर्नामेंट अमंग द एकेडमीज ऑल ओवर इंडिया. मेरे ख्याल से भारत के सभी अच्छी लड़कियां ये टूर्नामेंट में भाग लेना चाहेगी क्योंकि बहुत दिन हो गए दे हैवंट प्लेड गुड क्रिकेट. और अगर उनको ये मौका मिल गया और BCCI ने सपोर्ट कर दिया तो शांता रंगा स्वामी विल ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट इन हर ओन स्टाइल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. नॉर्मली वेन एवर वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड क्रिकेट देर इज अ फेयर प्ले, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी और है. देर इज अ clear disparity between the payment contracts in the men's and women's cricketers. Ab jara sochiye, on one side men cricketers are going to get more than $27,000 as their contract fee. On the other side, women cricketers will be getting only $3,250. There is a huge difference. And same is the case as far as match fees are concerned. Ek taraf ladkon ko milega $575 per match as their match fees. On the other side, the girls will only get paltry $130. ये क्यों हो रहा है? New Zealand cricket is not known for this. I hope that Players Association will have proper discussion with New Zealand cricket and this issue will be resolved soon. So, we'll meet up next week again for this weekly briefings. तब तक, bye-bye.